क्वेश्चन नंबर टू का फोर्थ पार्ट है, इसमें भी हमने रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 7x - 13 = 0। क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x टू द पावर 2 है, फिर x टू द पावर 1, आगे x इन्वॉल्व नहीं है। सो इसको हम कंपेयर करते हैं, ax² + bx + c = 0। तो a 3 आ जाएगा, b 7 आ जाएगा और c -13 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको आना चाहिए, विच इज इक्वल टू b² - 4ac। वैल्यूज प्लग इन करते हैं, b की जगह हम 7 रखेंगे, -4, a की जगह 3 और c की जगह -13। तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, प्लस 4 को 3 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 बनेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 49 और 156 को, तो ये 205 आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास एक तो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ गया और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स की नेचर हम लिखेंगे यहां पर, रूट्स आर अनइक्वल रियल, और रियल की कौन सी टाइप होगी, ये इरेशनल होगी। ये हमने नेचर तफसील से डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1 में। पेपर में सिर्फ क्वेश्चन यहां तक ही आता है कि डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स। तो आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो एक नंबर होगा, ये नेचर लिख देंगे तो आपका दूसरा नंबर भी हो जाएगा। लेकिन बुक में उसने वेरीफाई करने का भी बोला है, तो हम इसको वेरीफाई भी कर देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि नेचर क्या होती है, कैसे आती है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, 3x² + 7x - 13 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं इसके ऊपर, x = -b(7+-b²-4ac। हमने फाइंड आउट किया हुआ है यहाँ पर b²-4ac 205 आ गया, तो यहाँ पर ये 205 लिख देंगे ओवर में 2, a की जगह 3। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आई -7 प्लस के रूट 205 ओवर में 6, और x की दूसरी वैल्यू आई -7 - √205/6। देखिए दोनों वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते तो यहाँ तक ये क्वेश्चन होगा, मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। x की दोनों वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट ऐड हो रही है और यहाँ पर ये स्क्वायर रूट सब्ट्रैक्ट हो रही है। दस रूट्स आर, दोनों रूट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अनइक्वल, अनइक्वल का दूसरा नाम डिस्टिंक्ट होता है तो डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। क्योंकि आयोटा इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो ये रियल है। उसके बाद रियल की ये कौन सी टाइप है, स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रही हो तो फिर वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पर भी हमने वही लिखा था कि अनइक्वल है, रियल है और इरेशनल है। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। दोबारा आपने याद रखना है कि पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स, उसमें डिस्क्रिमिनेंट के बाद आप सिर्फ नेचर लिख देंगे तो आपके 2 मार्क्स मुकम्मल हो जाएंगे। वेरीफाई का जिक्र आए तो देन आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में आपने जस्ट एक्स की वैल्यू मालूम करनी है यानी कि रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और देखना है कि जो रूट्स निकल रहे हैं वो वही हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए थे, यानी कि दोनों बराबर नहीं हैं तो बराबर नहीं आए, रियल है यानी कि आयोटा नहीं आया, और इरेशनल है कि उसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मस्ट है कि पेपर में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना या डिस्कस नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट आ जाता है।